Hey guys, welcome back again to our town, Crazy for Bollywood. मैं शुभांगी आज का countdown लेकर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें. Number 1, अक्षय कुमार का अगला प्रोजेक्ट सी शंकरन नायर पर बनने वाली बायोपिक है. बताया जा रहा है कि इस पीरियड ड्रामा की शूटिंग पिछले साल शुरू हुई थी. इसका नाम द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सी शंकरन नायर रखा गया है. इस फिल्म के नाम पर लंबे डिस्कशन के बाद सब शंकरन नाम के नतीजे पर ही आए हैं. हालांकि नाम को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगली प्रेस रिलीज में नाम को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा. Number 2, पिंक विला की एक रिपोर्ट के मुताबिक अटली कुमार अब अल्लू अर्जुन के साथ धमाका करने के लिए तैयार हैं. दोनों अक्टूबर 2024 से इस फिल्म पर काम शुरू करेंगे. दोनों ने सब्जेक्ट को फाइनल कर लिया है और अटली ने इस प्रोजेक्ट के लिए कास्टिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया है. प्रोडक्शन से जुड़े सोर्स का कहना है कि अटली अपनी फिल्म की हीरोइन के लिए सामंथा और प्रभु से बातचीत कर रहे हैं. अगर ये खबर सही साबित होती है तो सामंथा और अल्लू एक बार फिर से स्क्रीन पे शेयर करते नजर आएंगे. Number 3, कृति सैनन, तबू और करीना कपूर की फिल्म क्रू ने मंडे टेस्ट पास कर लिया है. फिल्म को रिलीज हुए 4 दिन हो गए हैं. अब फिल्म की कमाई के नए आंकड़े सामने आ गए हैं. Signal.com की रिपोर्ट के मुताबिक कृति सैनन, तबू और करीना कपूर खान की धांसू फिल्म क्रू का 4th दिन भी बॉक्स ऑफिस पर जलवा कायम है. करीना कपूर की फिल्म क्रू ने 4th दिन 4.5 करोड़ रुपए कमा लिए हैं. फिल्म ने इसी के साथ मंडे लिटमस टेस्ट पास कर लिया है. Number 4, फिल्म मेकर करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 को लेकर बड़ा अपडेट दिया है. उन्होंने बताया है कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 को इस बार फिल्म नहीं बल्कि सीरीज के रूप में बनाया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नॉकटर्नल बर्गर की डायरेक्टर रीमा माया इस प्रोजेक्ट का डायरेक्शन करेंगी. चंडीगढ़ में सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के आखिरी दिन करण जौहर ने इस बात की जानकारी दी. Number 5, क्रिकेटर ऋषभ पंत को लेकर एक्ट्रेस उर्वशी रौटेला एक बार फिर से विवाद में आ गई हैं. दरअसल उर्वशी का एक एड वायरल हुआ, जिसके बाद नेटिजन्स को लग रहा है कि वो क्रिकेटर की हाइट का मजाक बना रही हैं. हालांकि उर्वशी रौटेला ने अब इस मामले में सफाई भी दी है. एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक लंबा पोस्ट लिखकर सफाई दी है. उन्होंने कहा है कि एड में जो कुछ भी बोला गया वो स्क्रिप्ट का हिस्सा था. बता दें कि उर्वशी रौटेला हाल ही में एक मैट्रिमोनियल ब्रांड के विज्ञापन में नजर आई. Number 6, अनीस बज्मी की भूल भुलैया 3 साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. साल 2022 में आई भूल भुलैया 2 में अपने शानदार काम के बाद कार्तिक आर्यन एक बार फिर से दर्शकों को रोमांचित करने के साथ साथ हंसने और डराने के लिए तैयार है. हाल ही में कार्तिक आर्यन जर्मनी ट्रिप पर थे और वहां से लौटते ही उन्होंने फिर से काम शुरू कर दिया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर कर भूल भुलैया 3 की शूटिंग को लेकर भी ताजा अपडेट फैंस के साथ शेयर किया है. Number 7, एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर प्रेगनेंसी र्यूमर्स पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है. पिछले काफी वक्त से परिणीति चोपड़ा को ढीले ढीले कपड़े पहने हुए देखा गया था, जिसके बाद उनकी प्रेगनेंसी की खबरों ने काफी ज्यादा जोर पकड़ लिया था. दरअसल परिणीति चोपड़ा ने अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए एक ड्रेस पहना और उसका वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया. इसी के साथ उन्होंने प्रेगनेंसी की खबरों को भी महज अफवाह साबित कर दिया है. Number 8, अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म मैदान का फाइनल ट्रेलर रिलीज हो गया है. ये ट्रेलर अजय देवगन का अपने फैंस को उनके जन्मदिन पर तोहफा है. ट्रेलर में दिखाया गया है अजय देवगन ऐसी टीम खड़ी करना चाहते हैं जिन्हें वो किसी भी पोजीशन पर खिला सके. इसके लिए वो टीम के खिलाड़ियों का सिलेक्शन झोपड़पट्टी से भी करते हैं. इस टीम को खड़ा करने के लिए SA रहीम यानी अजय देवगन को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, यही मैदान में दिखाया गया है. Number 9, प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर अपनी आने वाली फिल्म टाइगर का पोस्टर शेयर किया है. ये फिल्म 22 अप्रैल को OTT पर स्ट्रीम होने वाली है. ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक टाइगर में प्रियंका चोपड़ा फिल्म की कहानी को नरेट करती नजर आने वाली है. फिल्म की कहानी अंबर नाम की एक यंग बागिन पर बेस्ड है, जो भारत के जंगल में अपने बच्चे को पाल रही है. बता दें कि प्रियंका चोपड़ा ने इससे पहले शॉर्ट फिल्म टू किल अ टाइगर को प्रोड्यूस किया था, जिसे ऑस्कर 2024 में नॉमिनेशन मिला है. Number 10, टीवी शो डांस दीवाने के हालिया एपिसोड में सुनील शेट्टी शामिल हुए थे. शो में उन्होंने नाना बनने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद से ही आथिया शेट्टी की प्रेगनेंसी र्यूमर्स तेजी से वायरल हो रही थी. अब इस पर बड़ा अपडेट सामने आया है. सोर्स ने कहा, इस अफवाह में कोई सच्चाई नहीं है. सुनील की नाना बनने वाली बात मजाक में कही गई थी. उनके मजाक का सभी ने गलत मतलब निकाला है. कई लोगों ने पूरी क्लिप नहीं देखी है. हालांकि जब ऐसा होगा तो ऐलान कर दिया जाएगा. Number 11, बॉलीवुड एक्टर आयुष शर्मा स्टारर अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म रुसलान का दूसरा गाना पहला इश्क रिलीज हो गया है, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. गाने को रजत नागपाल ने कंपोज किया है, वहीं राणा सोटल ने इस गाने को लिखा है, जबकि आवाज सिंगर रीतू रीबा ने दी है. ये लिसनर्स को रोमांस और प्यार की दुनिया में ले जाता है. बता दें कि ये फिल्म 26 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
नंबर 12 लव सेक्स और धोखा का टीजर रिलीज हो गया है। अपनी थीम और कॉन्सेप्ट के साथ बने रहते हुए मेकर्स ने लव सेक्स और धोखा 2 का सबसे बोल्ड और ग्रीपोंग टीजर को रिलीज कर दिया है। टीजर देख आप समझ जाएंगे कि सीक्वल ने परफेक्ट तरीके से फिल्म के एसेंस को पकड़े रखा है। हाईली अवेटेड टीजर में एक साथ 3 कहानियां हैं जो इंटरनेट के मॉडर्न युग की झलक दिखाती है। टीजर तेजी से पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। नंबर 13 करण जौहर ने अभी हाल ही में अपने इंस्टाग्राम से एक पोस्ट शेयर कर सबको हैरान कर दिया। करण जौहर ने ये पोस्ट अपने को अच्छा दिखाने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी करने वालों को लेकर शेयर किया है। करण ने इस दौरान लिखा, फिलर्स लगा लो, फुलफिलमेंट नहीं मिला, मेकअप लगा लो, उम्र नहीं घटती, करा लो जितना भी बोटॉक्स, लगोगे जैसी मधुमक्खी ने काट लिया, नाक बदलने से गंध इत्र नहीं बनती, अंडर द नाइफ जाने से एस्टीरियल बदल भी जाए लेकिन मेरी जान फितरत नहीं बदलती। नंबर 14 कुछ समय पहले शाहरुख खान ने US एनवॉय एरिक गार्सेटी से मुलाकात की थी। इसके बाद एरिक गार्सेटी भी किंग खान के दीवाने हो गए। उन्होंने इस दौरान कहा कि मुझे लगता है कि जब मैं शाहरुख खान से मिलने यहाँ आया था तो हमने क्रिकेट के बारे में बात की थी क्योंकि वो क्रिकेट टीम के मालिक है, वो लॉस एंजलस टीम के भी एक हिस्से के मालिक है। मेरे ऑफिस में हर कोई दीवाना हो गया था। बता दें कि एरिक गार्सेटी ने इसके अलावा भी शाहरुख खान को लेकर काफी कुछ कहा। एंड नंबर 15 सलमान खान की वांटेड और अनिल कपूर की मिस्टर इंडिया के सीक्वल को लेकर बड़ा अपडेट आया है। बोनी कपूर ने न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि वांटेड के सीक्वल के बारे में उन्होंने सलमान खान से बात की है। सलमान खान ने इसमें काम करने के लिए हामी भी भर दी है। एक बार स्क्रिप्ट फाइनल हो जाए तो वो इसे आगे बढ़ाएंगे। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।